हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बालों का सफ़ेद होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अगर हम बात करें कि हेयर रिलेटेड समस्याओं की, तो उसमें से बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ होना, हेयर ग्रोथ का कम होना और उसी में से एक सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग, यानी कि उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना। अगर आपकी उम्र 35 से 40 की है और आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हुए हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी उम्र 20 की है, 25 साल की है और आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं तो इसको प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग कहते हैं। ये उम्र की वजह से नहीं होता, ये हमारे शरीर में या हमारे बालों में, बोल दो कि एक मिलेनिन नाम का प्रोडक्शन होता है, वो कम होने की वजह से हमारे प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या हो जाती है। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग जब होती है तो क्या होता है, मतलब स्टार्ट में जब हमारे कुछ भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पे हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर कलर में बहुत सारा केमिकल होता है, एक बार जब आप हेयर कलर लगा लेते हो तो उसके बाद आपके और बालों को भी वो सफ़ेद करना शुरू कर देता है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी वजह से आपके दूसरे बाल भी सफ़ेद होने लग जाते हैं, साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ और हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी उम्र मतलब ज़्यादा है फिर आप हेयर कलर का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन शुरुआत में कम उम्र में ही अगर हम बहुत ज़्यादा हेयर केमिकल, डाई या कलर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे बालों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को कैसे सफ़ेद होने से बचा सकते हो और कैसे प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को फिर से, यानी कि जो उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको आप फिर से कैसे काला कर सकते हो, उसी के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं और मेरे बताए हुए इस नुस्खे का इस्तेमाल करके वो अपने सफ़ेद बालों को फिर से काला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 की हो गई है, 50 की, अगर आपके बाल उम्र की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं तो उसमें आपको कम इफेक्ट होएगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग वालों को इससे ज़रूर फ़ायदा होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग किन कारणों की वजह से होते हैं, क्योंकि चाहे कितने भी होम रेमेडी कर लो, अगर आप उस कारणों को एलिमिनेट नहीं करोगे, नहीं हटाओगे नहीं, तो वो बढ़ते जाएंगे, आपकी होम रेमेडी भी वर्क नहीं करेगी। तो एक तो होता है कि आपके हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से, यानी कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनमें पीसीओएस की प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स बहुत इम्बेलेंस हो जाते हैं और वो फिर से सही नहीं होने की वजह से भी बाल हम उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि थायराइड है किसी को, किसी को डायबिटीज़ है, तो उसमें जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट में भी उम्र से पहले बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रेस या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस लेते हो और उसकी मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपके बाल हैं वो उम्र से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप खुश नहीं रहते हो, रात को प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, तो इसकी वजह से भी आपका जो मतलब इनका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, आपके हेल्थ पे पड़ता है और उसके वजह से आपके बाल भी प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम सुंदर दिखने के लिए हमारे बालों का बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ें हम हमारे बालों पे करते हैं, हेयर ट्रीटमेंट कर, जैसे कि स्ट्रेटनिंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया, बहुत सारे केमिकल हम बालों पर लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। इन सब के अलावा एक और अहम रोल प्ले करता है बालों के सफ़ेद होने में, वो है हमारी डाइट। अगर आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या जंक फूड्स वाली है, यानी कि हेल्दी डाइट या बैलेंस्ड डाइट नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसका जो असर है वो भी आपके बालों और स्किन पे पड़ता है, स्किन डल होने लग जाती है और बालों में हेयर फॉल और हेयर ग्रोइंग की समस्या शुरू हो जाती है। चलिए, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपको कारणों का पता रहेगा तो आप उससे बच भी सकते हो और उन कारणों को आप खत्म कर सकते हो।
अब जानते हैं कि ऐसा कौन सा नुस्खा है जिसकी मदद से आप अपने सफेद बालों को फिर से काला कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर आप बालों में लगाते हो तो ऐसे तो आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने बालों को हेयर कलर मतलब कलर के रूप में देखते हो कि नेचुरल तरीके से हम बालों को कैसे काला करें, तो आप सरसों का तेल लगा सकते हो। वो आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, रूसी भी दूर करता है और बालों को जो मिलेनिन नाम का पिगमेंट है उसको भी वो बढ़ाता है, जिससे आपकी रिवर्स मतलब हेयर ग्रोइंग रिवर्स होने में हेल्प मिलती है। तो आपको सरसों का तेल डायरेक्ट ऐसे लगाने से तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उसकी मालिश नॉर्मल करने से इतना बेनिफिट नहीं होता है, तो आपको उसके साथ कुछ मिलाकर लगाना होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 कप सरसों का तेल लेना है और उसको पैन में गर्म करना है, और आपको कम से कम 8 से 9 करी पत्ते चाहिए, और उन करी पत्तों को आप सरसों के तेल में मिक्स मतलब डाल दीजिए। उसके साथ 2 चम्मच आपको मेथी दाने का जो पाउडर है, या फिर अगर पाउडर फॉर्म नहीं भी है तो मेथी दाना भी आप उसमें डाल दीजिए, और उसको उबाल लीजिए कुछ देर तक, आप उसको गर्म कीजिए। साथ ही आप 1 चम्मच चाय पत्ती भी उसमें ऐड कर दीजिए। अब उस ऑयल को कुछ देर तक उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद मतलब अगर हम उबालने की बात करें कितनी देर तक रखना है, तो आप उसको 10 से 15 मिनट आप कम आँच पे इसको उबलने दीजिए, अच्छे से होने दीजिए। वो एकदम से पक जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर आ जाए, तब आप उसको गुनगुना होने दीजिए, और गुनगुना होने पर इसको छान कर आप इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। मतलब छानने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कितने दिनों तक कर सकते हो, स्टोर करके आप उसको रख सकते हो। और बालों को रात को सोने से पहले अच्छे से स्कैल्प पे मसाज कीजिए, जहाँ जहाँ मतलब आपके बहुत ज़्यादा टिप तक करने की ज़रूरत है, बट लेकिन आपकी जो स्कैल्प है वो कवर होनी चाहिए। स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये प्रोसेस करते हो, रेगुलर बेसिस का मतलब ये नहीं है कि आप पर डे कर रहे हो, आप हफ्ते में 3 बार अपने बालों को, जब आपको बाल धोने हो उससे पहले दिन या उससे 2 घंटे पहले अपने बालों पे अच्छे से मसाज कीजिए उस ऑयल से। इससे आपके हेयर ग्रेइंग रिवर्स होने में मदद मिलती है। अगर आपकी प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग है तो फिर से आपके बाल है वो काले होने में हेल्प मिलता है, और अगर आपके बाल उम्र की वजह से सफ़ेद हुए हैं तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, धीरे धीरे वो और ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं और इस तेल से अगर आप मसाज करते हो तो उससे आपको प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या नहीं होगी। साथ ही ये आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है, बालों की री ग्रोथ में हेल्प करता है, बाल मजबूत बनाता है, और बाल है वो लंबे घने और हेयर फॉल कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो सरसों के तेल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको सरसों का तेल अच्छा नहीं लगता तो इसकी जगह आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही आप, ये तो मैंने एक तरीका बताया इंस्टेंटली, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है तो आप एक काम कर सकते हो, एक जार लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और उसमें कम से कम 8 से 10 करी पत्ते डाल दीजिए, और पिसी हुई मेथी दाने के 2 चम्मच डाल दीजिए, और फिर उसको आप एक ड्राई मतलब प्लेस होता है जहाँ सूर्य की धूप डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, वहाँ पर 1 वीक से लेके 15 डेज तक उसको छोड़ दीजिए। यानी मैं तो बोलूँ 10 to 15 डेज आप उसको भूल जाइए, और फिर 15 दिनों के बाद जब ऑयल तैयार हो जाता है तो उसको छान कर भी आप अपने बालों पे लगा सकते हो। इससे भी आपके प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या दूर होती है, बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने से बच जाते हैं, और साथ ही अगर हो गए हैं तो फिर से आपके धीरे धीरे काले होने लग जाएंगे। साथ ही साथ जो मैंने कारण आपको बताया, जैसे कि आपको अपनी डाइट हेल्दी रखना होगा, आपको अगर किसी वजह से स्ट्रेस ले रहे हो तो उसको कम करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें अपने हेयर पे इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई भी अगर आप कॉस्मेटिक या मतलब हेयर ट्रीटमेंट करवाते हो जैसे कि रिबॉन्डिंग स्मूदिंग, तो आपको अपने प्रॉपर जो आपका सैलून आपका जो ब्यूटिशियन है उससे अच्छे से एक्सपर्ट से राय लेनी है कि क्या क्या आपको प्रोडक्ट यूज़ करने, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए ताकि आपको उसके कोई साइड इफेक्ट झेलना ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।